दोस्तों, होम थिएटर का उपयोग तो आप में से बहुत से लोग करते होंगे, जिसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी हर किसी को पसंद आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होम थिएटर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? नहीं पता तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर होम थिएटर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होम थिएटर को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी को बनाया जाता है। इसकी बॉडी को लकड़ी से बनाया जाता है, जिसकी वजह से बेस की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। फिर इस लकड़ी के बने हुए बॉक्स के अंदर पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगाया जाता है। यही पीसीबी नॉर्मल म्यूजिक के साउंड और बेस को बढ़ाती है। उसके बाद इसमें ट्रांसफार्मर को जोड़ा जाता है, जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इसमें एक स्पीकर लगाया जाता है। यह स्पीकर थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें से म्यूजिक की आवाज नहीं बल्कि केवल बेस निकलता है। उसके बाद पीसीबी को बैक पैनल से जोड़ा जाता है और साथ ही पीसीबी को ठंडा रखने के लिए इसमें हीट सिंक भी लगाई जाती है। अब इसे असेंबली लाइन में भेजा जाता है, जहां पीसीबी को ट्रांसफार्मर और वूफर के साथ वायर के हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। अब फ्रंट पैनल को, जिसमें बेस, ट्रबल और वॉल्यूम कंट्रोलर अटैच रहते हैं, उसे पीसीबी के साथ में जोड़ा जाता है। और इस होम थिएटर की बॉडी को पूरी तरह से जोड़ दिया जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। जब ये सभी टेस्ट में पास हो जाता है तो इसे पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।